अस्सलामुअलैकुम। ये एक सवाल आया है कि भाई आप जब कह रहे हैं कि कुरान में किसी जानवर का जिक्र नहीं है, तो कम से कम घुराब तो ऐसा है, जब कौवे का जिक्र आया इसका तो हर आलिम ने घुराब का कौवा ही किया है, किसी और ने कुछ किया ही नहीं। तो आइए इस आयत को आज देख लेते हैं। ये सूरह मायदा आयत नंबर 31 यानी 5 की 31। इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद वाला तर्जुमा है, मैं पहले इससे कर देता हूँ फिर बताता हूँ कि ये असल में है क्या। फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्ज लियुरियहु कैफा युआरी सौअत अखीहि قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوت اخي فاصبح من النادمين। इनका तर्जुमा है कि फिर अल्लाह ने भेजा एक कौवा जमीन कुरेदता ताकि वो उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। उसने कहा हाय अफसोस, मुझसे इतना ना हो सका कि इस कौवे जैसा हो जाऊं कि अपने भाई की लाश को छुपाऊं, बस वो नादिम पेशवान होने वालों में से हो गया। देखिए यहाँ लफ्ज है गुराब, गुराब का तर्जुमा इन्होंने कौवा किया है। गुराब का मादा है गरब यानी गैन रे बे, और गैन रे बे से कुरान में 19 जगह आया है और उन 17 जगहों पर कहीं कौवा नहीं किया। क्या वजह है कि सिर्फ यहां पर गुराब या का तर्जुमा इन्होंने कौवा कर दिया है? तो सीधी सी बात है कि असल में जब पहले से ही अपने ख्याल को जहन को साफ नहीं रखा है और अल्लाह के कलाम को गैर अल्लाह के कलाम के शिर्क के बगैर समझने की कोशिश नहीं करते तो वहां ऐसे ही हाल होता है। एक कहानी पहले से फिट है उसको तर्जुमे में फिट करना, अल्लाह क्या कह रहा है इसकी परवाह ही नहीं है। तो आइए देखे ये है क्या। फबअसल्लाहु, बस अल्लाह से उठा, गुराबन जवाल वाला गर्व होने वाला, इसी से गुरूब निकला है, जब सूरज गुरूब होता है वहां भी लफ्ज गुरूब है, इसी से मगरिब निकला है जवाल वाला, मशरिक उरूज वाले को कहा जाता है। तो बस अल्लाह से उठा एक जवाल वाला, यबहसु फिल अर्ज, वो बहस करता था पस्तों में, लियुरियहु, उसे दिखाने के लिए, कैफा युआरी सौअत अखी, कि कैसे वो वरे कर दे, दूर कर दे अपने हम मकसद की बुराइयां। सौअत सूख कहते हैं बुराई को, तो सौअत ये बुराइयां हैं, ये लाश की बात ही नहीं हो रही है। काला कहा या वही लेता है, हाय हमारी खराबी, आजज तो मैं खूब आजिज होता, अन अकूना ये कि मैं हो जाता, मिसल हादल गुराब, मिसाल इस जवाल वाले की, ये जवाल वाले की मिसाल मैं भी हो जाता, फवारी पस मैं वरे कर देता, सवत आखी अपने हम मकसद की बुराई, फासबहा मिन नादमीन, पस वो हो गया नदामत वालों में से, पेशमान होने वालों में से, जब अपनी गलती का एहसास हुआ। तो सीधी सी बात यह है कि असल में सिर्फ एक आयत से पूरी बात तो समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये बात पूरी चल रही है वहां से ज्यादा वजात होती, लेकिन इस वक्त हमारा मकसद क्योंकि बहस सिर्फ जानवरों के हवाले से, तो गुराब का जो कौवा तर्जमा किया है इसको सही बताने के लिए लिहाजा सिर्फ इसी आयत पर फोकस रखा है। तो ये देखिए इस आयत का एक बार रवा तर्जमा कर देते ताकि बात वाजे हो जाए। बस एक जवाल वाला अल्लाह से उठा, वो उसे पस्ती में दिखाने के लिए बहस करता था कैसे वो अपने मकसद की बुराई को दूर करे यानी वरे करे। कहा है काश मैं खूब आजिज होता ये कि मैं इस जवाल वाले की मिसाल होता, बस अपने मकसद की बुराई को दूर कर देता, बस वो नदामत वालों में से हो गया यानी पेशमानी अख्तियार करने वालों में से हो गया, अपने आप को खुद मलामत किया कि हमने क्या कर दिया था अपने अमल के लिहाज से। तो बहरहाल शायद की इससे वजाहत हो गई होगी और ये समझ में आ गया होगा कुरान में कहीं भी किसी जानवर की बात नहीं है, तो यहाँ भी एक कौवा नहीं है बल्कि एक जवाल वाले की बात हो रही है, एक ऐसे लोगों की जो अपनी बुराई को छुपा नहीं पाए और जवाल वाले हो गए, जिस तरह आज दुनिया भर के मुसलमान जो जवाल का शिकार है, ये अपने अमल पर गौर कर, अपने बुरे अमल पर, अपने हम मकसदों पर उसकी बुरे अमल को परे कर दें और अच्छे अमल करना शुरू हो जाए तो ये जुराब से निकल कर फिर शराक वाले हो जाएंगे यानी उरूज वाले हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम।